हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अरशद अपने चैनल एएचपी ट्रैक्टर केयर पर आपका इस्तकबाल करता हूं। तो दोस्तों, यह ट्रैक्टर है फार्म ट्रैक सार, इसमें क्या प्रॉब्लम आई है हमने उसी टॉपिक पर यह वीडियो बनाया है, तो आप हमारा यह वीडियो लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, इसकी हाइड्रोलिक में प्रॉब्लम है, जैसे ही हम हाइड्रोलिक को उठाते हैं हाइड्रोलिक नहीं उठ पाती है और ट्रैक्टर दबता है। ठीक है, अभी हम आपको ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। तो अभी हमने ट्रैक्टर स्टार्ट कर लिया है, अभी हम इसका पोजीशन लीवर अप करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हम जैसे ही लीवर को अप करते हैं, ये देखिए ट्रैक्टर दब जाता है और हाइड्रोलिक भी नहीं उठती। तो इस हाइड्रोलिक में क्या प्रॉब्लम आई है वही हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अभी हमको यह लिफ्ट कवर नीचे उतारना है, तो हमने इसका लिफ्ट कवर नीचे उतार लिया है। तो दोस्तों, इसकी यह रोड कनेक्ट रोड, यह इसकी पिन टूट चुकी है, यह निकल गई है, इसलिए यह हाइड्रोलिक अपना काम करना बंद कर चुकी है। तो दोस्तों, यह कोई इतना बड़ा काम नहीं है, अगर हमारे भाई किसान भाई चाहे तो यह काम घर पर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम इसका रोड निकाल लेते हैं। जुबैर आलम, ज़रा रोड निकाल के लाना। तो अभी हमारा जुबैर आलम यह रोड निकालेंगे जो कि इसके नीचे यहाँ पे गिर चुका है। तो यह इसका रोड, तो इसका पिन टूटने की वजह से यह नीचे गिर जाती है। तो हमें यह कुछ इस तरीके से सेट करनी है, यहाँ पे यह इसका पिस्टन अंदर की ओर धकेलना है और ये कुछ इस तरीके से बआसानी फिटिंग हो जाती है। जुबैर आलम, इसको करना तो फिट। तो अब हम फिटिंग करके जल्दी से आपको दिखाते हैं, यह कुछ इस तरीके से फिटिंग हो जाती है बआसानी। यह कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसे चाहे तो हमारे किसान भाई घर पर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलो, अभी हम इसको आपको दिखाते हैं। तो अभी हम ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमें लीवर अप करना है और देखना है कि लीवर हमारा कहां से काम करना चालू करता है। तो दोस्तों, ये यहाँ पे लगभग यहाँ से यहाँ तक के इसमें पले है, यह भी गलत है। तो यह हमारी हाइड्रोलिक यहाँ से काम करना चालू कर रही है, यह भी गलत है। ठीक है ना, इसमें और काम होना बाकी है। तो दोस्तों, इस हाइड्रोलिक में अभी और काम होना बाकी है। यह हमारे किसान भाई खेत में गेहूं की बुआई कर रहे थे, उसी वक्त यह हाइड्रोलिक ख़राब हो चुकी है। तो इसलिए इनके पास टाइम कम है, इन्हें फिर खेत में जाकर वह बुआई कंप्लीट करनी है और फिर जब इनके पास टाइम होगा तो ये हाइड्रोलिक लेकर आएंगे। हम फिर इस हाइड्रोलिक पर दोबारा वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे ये इतनी पले क्यों हैं और ये कैसे ठीक होती है। हम इसका वीडियो कंप्लीट बनाएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। तो आगे हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।